हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम चैनल, आप सभी देख रहे हैं एस चे सोनम। एस चे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है साथी के घर में चोरी किसने की, भाग 3। कहानी शुरू करने से पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुरेश जी के घर में चोरी हो गई थी और इस बात से उन्हें पूरी रात तो नींद आई नहीं। अब वह यह सोच रहे थे कि जिसने चोरी की हो वह ईमानदारी से बताते तो उनकी बेटी की शादी में कोई भी परेशानी नहीं होगी। दूसरे दिन सुबह से सुरेश जी अपने पूरे परिवार के सदस्य और नौकरों को हॉल में एकत्रित करते और उनसे कहते, मैं आप सभी को आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझे साफ साफ बता दीजिए कि आप में से किसने चोरी की है। मेरी बेटी की कर शादी है, मैं नहीं चाहता कि घर में कोई हंगामा हो, इसलिए साफ साफ बता दीजिए, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा, वरना अब मुझे कठोर कदम उठाना पड़ेगा। तब सुरेश जी के बड़े भाई अभिषेक जी का छोटा बेटा कहता, चाचा जी, आप हम सब पर क्यों शक कर रहे हैं? हो सकता है चोरी किसी घर के बाहर वाले ने की हो, वैसे भी आप इतना पैसा खर्च कर रहे थे तो बाहर के लोगों को तो पता चल ही गया होगा। और जिस दिन आप जौहरी से बात कर रहे थे हीरो के हार के और सोने के जेवर के बारे में, उस दिन दूत बारा भी तो सब कुछ सुन रहा था। क्या पता इसके मन में खोट आ गई हो और इस ईमानदार दूतवारे ने चोरी कर ली हो। मुझे तो लगता है वो ना हो इस दूतवारे ने ही चोरी की है। मुझे तो उस दिन से इसके हाव भाव भी अलग दिख रहे हैं। तभी घर के और सदस्य कहते हैं, बेटा तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि चोरी इसने ही की होगी। बहुत गौर से सुन रहा था ये दूतवारा उस दिन जब सुरेश भाई साहब बात कर रहे थे ज्वेलरी के बारे में। सभी एकजुट होकर बोले, हो ना हो चोरी इसने ही की है। वैसे किसी को भी पक्का यकीन नहीं था कि चोरी दूतवारे ने की है, लेकिन अपना पल्ला झड़ाने के लिए किसी दूसरे पर तो शक डालना ही था। तो सपने मिलकर दूतवारे पर चोरी का इंजाम लगा दिया, जिससे वह सब दूत की तरह साफ हो जाएं। सभी दूतवारे को शक की नज़र से देखने लगे। तब दूतवारा कहता, मालिक यह सब क्या कह रहे हैं, मैं चोरी क्यों करूँगा मालिक। तभी सुरेश जी की बड़ी भाभी कहती, अब कितना भूरा बन रहा है, जब चोरी की थी तब क्यों नहीं सोचा कि तू चोरी क्यों कर रहा है। अरे पैसे को देखकर तो अच्छी अच्छी की नीयत बिगड़ जाती है, फिर तू कौन सा दूध का धुरा है। भाई साहब ने कहा है ना, भाई किसी से कुछ नहीं कहेंगे, तो क्यों नहीं मान जाता कि तू ने चोरी की है, भाई तुझे माफ़ कर देंगे। दूतवारा बड़ी भौचाई, हम पर यह आरोप मत लगाओ, हमने कोई चोरी नहीं की है, हमने तो आज तक दूध में पानी नहीं मिलाया, फिर हम चोरी कहाँ से कर सकते हैं, हम में इतनी हिम्मत कहाँ कि हम चोरी कर सकें। मालिक आप तो हमें बरसों से जानते हैं, जब से आप यहाँ पर आए हैं हम से ही तो दूध खरीद रहे हैं, हमने आज तक आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, हमने तो आज तक दूध में कभी पानी नहीं मिलाया, यह बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मालिक हम आपके घर पर चोरी कैसे कर सकते हैं, आप तो हमारे बुरे वक्त पर कितना साथ दिए हो, हम जिस थाली में खाना खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। मालिक ए सोना चांदी देखकर हमारी तो नियत नहीं बिकरी, मेरी बात पर भरोसा कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे। मालिक वैसे यह आपके घर का मामला था, इसलिए हम कुछ बोलना नहीं चाहते थे, अब जब हम पर संदेह कर ही दिया है तो हम आपको बताते हैं। आपके घर में जो नौकरानी काम करती है वह एक दिन अपने मर्द से फ़ोन पर बात कर रही थी, आज हमने मैम साहब से पैसे मांगे लेकिन उन्होंने हमें देने से मना कर दिए, इतने वर्षों से हम उनके यहाँ काम कर रहे हैं और आज जब हमने कुछ पैसे मांग लिए तो कह रही हैं बेटी की शादी में पहले से ही इतना खर्च हो रहा है, तो हम तुम्हारे लिए पैसे कहाँ से दें, हद हो गई, बेटी को इतना दे सकते हैं और एक नौकरानी को 10,000 रुपये तक नहीं दे पाए, ऐसे घर में नौकरी करने से क्या फ़ायदा, हमारा तो मन हो रहा है कि हम नौकरी ही छोड़ दें, पर ऐसे कैसे छोड़ दें, इन लोगों को सबक तो हम ज़रूर सिखाएंगे, आखिर हम इतने बरसों से नौकरी कर रहे हैं इनके यहाँ। तभी नौकरानी कहती, अरे दूतवारे भैया यह क्या कह रहे हो, हमने कोई चोरी नहीं की, यदि आप ईमानदार दूतवारे हो तो हमने भी हमेशा अपना काम ईमानदारी से ही किया है, आज तक कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, हम भी कोई बेईमान नहीं,
आज तक हमने इस घर से एक चम्मच तक नहीं चुराई, तो गहने क्या खाक चुराएंगे? मैम साहब, आप तो हमें बड़े अच्छे से जानती हैं, हमें समय ही कहाँ मिलता है रसोई घर से बाहर जाने का कि हम गहने चुरा सकें, और हम तो हमेशा रसोई घर में ही रहते हैं। हमारा भरोसा कीजिए, हमने कोई चोरी नहीं की। हाँ मगर चोरी होने के एक दिन पहले जब हम रसोई घर से फ़ोन पर बात करते हुए बाहर निकले तो हमने बड़ी भाभी को आपके कमरे में जाते हुए देखा था, और आप हमारे साथ उस वक्त रसोई घर में थी। हमें अजीब सा तो लगा, लेकिन हम नौकर आखिर क्या कह सकते थे। बड़ी भाभी कहती हैं, अरे नौकरानी, अपनी औकात में रहा कर, जितनी है उतना ही बुरा कर। तू हम पर आरोप लगा रही है कि हमें अपनी देवरानी के कमरे में जाने के लिए तुझसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। सही कह रहा है दूतवारा, तूने ही चोरी की होगी और इंजाम हम पर लगा रही है। अपनी हद में रहकर बात किया कर, जानती भी है हम कौन हैं। तभी सुरेश जी की पत्नी कहती, भाभी आप हमारे कमरे में क्यों गई थीं? आप तो अच्छे से जानती थीं कि हम रसोई घर में हैं और मिनी के पापा बाहर गए हुए हैं, फिर आप हमारे कमरे में क्यों गई थीं? बड़ी भाभी, तुम हमसे सवाल जवाब कर रही हो, वो भी इस नौकरानी की बातों में आकर। सुरेश जी की पत्नी बिमरा कहती हैं, भाभी हम आपसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप हमारे कमरे में क्यों गई थीं? यह हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है, हमारे लिए वह गहने और पैसे बहुत आवश्यक हैं। आप साफ साफ बताइए कि आप हमारे कमरे में क्यों गई थीं? बड़ी भाभी कहती हैं, हाँ हम गए थे तुम्हारे कमरे में चोरी करने के लिए, लेकिन हमने कोई चोरी नहीं की, और हम कर भी क्या सकते थे। तुम्हारे बड़े भाई साहब की नौकरी जा चुकी थी, हमारे पास शहर में घर चलाने तक के पैसे नहीं थे, और यहाँ पर तुम लोग ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे थे। हम तो शहर इसलिए गए थे कि हम ऐसो आराम की जिंदगी जी लेंगे, लेकिन तुम लोगों के पास यहाँ पर हर एक वस्तु थी और हम उसके लिए परेशान थे। हमने सोचा एक हीरे का हार चुरा लेते हैं और उसे लेकर शहर चले जाएंगे, और शहर जाकर हम उसे अच्छी कीमत में बेच देंगे और अपनी ज़िंदगी आराम से जिएंगे। लेकिन हम चोरी कर पाते उसके पहले बड़ी ननंद जी वहाँ आ गई और हम चोरी ना कर सके, और ए हमसे पूछने रखी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो हमने कह दिया कि हम मंजरी देवरानी बिमरा से मिलने के लिए आए थे, वो हमें बिमरा से कुछ काम है। हमने पूछा आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, तो इन्होंने कहा हमें बिमरा के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी और बिमरा हमारे साथ रसोई घर में थी, तो आवाज़ सुनकर हम देखने चले आए आखिर कमरे में कौन है। नज़र तो रखनी पड़ेगी ना, आखिर साथी वाले घर में चोरी होती रहती है। फिर हमने कभी भी चोरी के विषय में नहीं सोचा, हमें लगा चोरी करेंगे तो सीता शंख हम पर ही जाएगा। हमने कोई चोरी नहीं की और हम तो कमरे में से चले गए थे, लेकिन बड़ी ननंद जी कमरे में ही रुकी थी। कोई इनसे पूछे आखिर ए कमरे में क्यों रुकी थी। तभी बड़ी ननंद कहती, देखो बड़ी भाभी, हम पर आरोप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने कोई चोरी नहीं की। एक तो आप चोरी करती हैं, ऊपर से सीना चोरी बता रही हैं। तभी सुरेश जी कहते, दीदी आप कमरे में क्यों गई थी? उनकी बड़ी बहन कहती, सुरेश मुझसे सवाल जवाब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो कमरे में सिर्फ आवाज़ सुनकर ही गई थी, लेकिन कमरे में जाकर तुम्हारी तिजोरी पर जब नज़र पड़ी तो मुझे लगा ये सही मौका है तुम्हें सबक सिखाने का। तुमने मुझे तोहफा देने से मना कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हारी तिजोरी में से एक हीरे का हार निकालना चाहती थी, लेकिन हम निकालते उसके पहले ही छोटी भाभी कमरे में आ गई और कहने लगी कि आप तिजोरी की तरफ इतनी गौर से क्यों देख रही हैं। मैंने कहा कुछ नहीं, कहकर वहाँ से चली आई, पर छोटी भाभी ने वहाँ पर किया क्या मुझे नहीं पता। छोटी भाभी कहती, हाँ गई थी मैं चोरी करने, और क्या करती, भाई साहब ने तो हिस्सा देने से मना कर दिया था ना, तो मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। लेकिन मैंने बहुत देर तक चाबी देखी पर मुझे चाबी नहीं मिली, इसलिए मैंने कहा बहुत समय हो गया, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और मैं वहाँ से चली आई। हाँ लेकिन जब मैं कमरे में से आ रही थी तो मैंने बड़े भाई साहब के बड़े बेटे को कमरे में जाते हुए देखा था, वह कहता हाँ गया था मैं चोरी करने, लेकिन मुझे चाबी नहीं मिली, और मुझे पूरे पैसे और गहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे तो सिर्फ 1 लाख रुपए चाहिए थे अपनी बाइक के लिए, और मैं वहाँ से शांति से चला आया। और जब मैं वहाँ से आया तो मैंने छोटे चाचा जी को कमरे में जाते हुए देखा था। छोटे चाचा जी कहते, और क्या करता, आपने तो हिस्सा देने से मना कर दिया था ना कि मेरा कोई हिस्सा नहीं रखता, यदि आप हिस्सा दे देते तो मुझे
ऐसा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन मैं चोरी कर नहीं पाया क्योंकि मुझे चाबी नहीं मिली। और फिर बड़े भाई साहब का छोटा बेटा वहाँ पर आ गया और मैं वहाँ से चला गया। बड़े भाई साहब का छोटा बेटा कहता, मैं चाची जी के कमरे में गया था लेकिन चोरी करने के लिए नहीं, मैं तो चाची जी से बात करने के लिए गया था कि वह मुझे मिनी दीदी की शादी में एक मोबाइल धरा दें जिससे मैं सबकी फ़ोटो निकाल सकूं, पर चाची जी कमरे में नहीं थी इसलिए मैं एसी चारू कर कर वहाँ पर सो गया। छोटी बुआ जी आई तो वह कहने लगी कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं चाची जी का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा चाची जी तो रसोई घर में हैं, तुम वहाँ पर चले जाओ। तो मैं रसोई घर में चाची जी से मिलने के लिए गया था। चाची जी आप बताइए ना कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक मोबाइल चाहिए और आपने वादा भी किया था कि आप दिलाएंगी, तो फिर मैं चोरी क्यों करता। बिमरा जी कहती, छोटू सही कह रहा है लेकिन छोटी दीदी आप मेरे कमरे में क्यों गई थी। वही कहती, तो मैं क्या करती, भैया ने तोहफा दिलाने से मना कर दिया था और मैंने अपनी देवरानी से कह दिया था कि मैं एक हीरे का हार लेकर आऊँगी और मैं हीरे का हार चुराने के लिए ही गई थी, लेकिन तिजोरी की चाबी नहीं मिली। और फिर वहाँ पर बड़े भाई साहब आ गए। बड़े भाई साहब कहते हैं, हाँ गया था मैं और क्या करता, तुम्हारी भाभी मुझे रोज़ ताने देती रहती हैं कि मैं कुछ भी नहीं कमाता और तुम्हारा छोटा भाई राखों में खेल रहा था, तो मैंने सोचा कुछ राखों में से मैं भी कुछ चुरा लेता हूँ, लेकिन मुझे भी तिजोरी की चाबी नहीं मिली और मैं भी चोरी नहीं कर सका। सुरेश जी के परिवार का हर एक सदस्य सुरेश जी के पैसों पर नज़र रखे हुए था और घर के हर एक सदस्य ने कोशिश भी कर ली थी चोरी करने की, लेकिन कोई भी चोरी नहीं कर सका। लेकिन अभी भी यह सवाल बाकी था, यदि घर के किसी सदस्य ने चोरी नहीं की तो चोरी किसने की, या इनमें से कोई झूठ बोल रहा था, या फिर अभी भी कोई सदस्य बाकी था जिस पर अभी तक किसी ने संदेह नहीं किया था कि वह चोरी कर सकता है। आखिर साथी के घर में चोरी किसने की, जानने के लिए कहानी का आखिरी और अंतिम भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नेक्स्ट पार्ट तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।